ओ कसं वाटतंय कम्फर्ट? ओ बाबा बरी आहे, बरी आहे वा. तुम्ही सांगा मॅडम. एक मिनिट थांब. कोणती? भाडा बिडा मला. ओके ओके. आणि मग ड्रायव्हर रेडी होते? कोण तुम्ही? कसे वाटलं कम्फर्ट म्हणतो? काय आवडलं नाही? काय सगळ्यात आवडलं जास्त? मिठाई और भी है ना दुसऱ्या गाडी के लिए. एक्साइटेड पूजा करने के लिए. कोणी घेतले कपडे बाबा? कोणी? सुंदर आहे का? किशात हात घाल, किशात हात घाल, किशात हात घाल. कुठे किसे कुठे आहेत पॅन्टीचे? कोण? स्पायडरमॅन. स्पायडरमॅन पा दे, पा दे. पूजा करायला रेडी? पिताश्री बघूया कसे ते रेडी आहेत ते. काकी का घेऊन जा एक दिवस, दुकान बंद ठेवलं का घेऊन जा फिरा. आता इंद्रूच बरा दिसतोय सगळ्यात आणि मग नोवा. मयूचा जस्ट फोन आला, बिचाराला उद्या सुट्टी आहे. अगोदर मी तेच अरे पण नाही पण त्या रोज सर आलो ना त्याच सुट्टी मतलब कल सुट्टी आहे. हा कल करतो ह्याच्या हॉल मध्ये टाक आणि गाठ मार. ह्याच्या वर नाही तुम्ही बांधणार तो मोठा हारच नाही ना कुठे बाजार. ह्याला खाली घे आधी, खाली घे त्याच्यानंतर जाऊ दे खाली. हा हे असं गाठ मग बरी टाई. तो ये ब्लॉग है फर्स्ट स्टॉप सितंबर का, जब हम पहुंच गए थे और हम गाड़ी की पूजा वूजा कर रहे थे तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए बिकॉज वैसे भी मूड नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली लेके आए तो पूजा होगी, सब कुछ होगा, तो बस उसी की तैयारी कर रही है. अभी बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी नॉइज़ आ रही है, मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, सो प्लीज़ सॉरी. Thank you.
और यहाँ पे हमारी औस है पूजा करते हुए, सब लोग मिलके, पापा, आई, मेरी सिस्टर और हमारी एक दीदी जो हमारे पास मम्मी को हेल्प करने आती थी, उनको मिलके हम सब ने पूजा की, गाड़ी की। बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग, सब बहुत ज़्यादा खुश थे, हाँ, दे वर फीलिंग प्राउड। लेकिन वो क्या होता है ना, मुझे तो कभी उनके रिएक्शंस कैप्चर करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस कि बहुत कुछ हुआ था। हम सब तो इसी को मानते हैं कि आप कुछ भी चीज़ अचीव कर लो, अच्छा कर लो, जो भी कर लो, अपने साथ हो, अपनों का आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग्स हो, तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हमें सक्सेस इन चीज़ों के, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ सक्सेस मिले, कोई बुरी चीज़ ना हो, और अगर होती है तो हमें ताकत दे ईश्वर कि हम उसको निभा सकें और आगे बढ़ सकें। मैं तो इसी में मानती हूँ कि मुश्किलें तो आती रहेंगी, हर दिन आपका नया इम्तिहान होता रहेगा, लेकिन आप उससे कैसे डील करते हो, खुद को कैसे पॉजिटिव रखते हो और उससे निकलने के लिए कितने एफर्ट्स डालते हो, उसी पे निर्भर करता है कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है आगे। ये होंडा होंडा सिटी, VMT, एक्स्टर। मम्मा आगे का पड़ तू ये इकडे चप्पल घाला ने देऊळ बंद होतला ही का महेश माझे कालचे ग्लासेस कडेले महेश कालचे ग्लासेस कडेले माझे जब फोडने जाईल तो सामने घेऊन मंत्र विद्या हाला बरे अरे तू मागून घे त्याला फोडून दे मग ते मर्ज करतात तू जा तू मागे से ले ना वो पीछे से ले शुरू के दोनों टायर पे करना। सो अब हम जाएंगे देव दर्शन के लिए, मतलब हमारे जो ग्राम देवता है और जो भी हमारे जिसमें हम मान्यता रखते हैं गांव के, जो हमारे मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो थोड़ा सा स्टाइल के साथ निकलते हैं। तो ये मेरा भाई अपनी गाड़ी में और मैं अपनी गाड़ी में, तो चलते हैं अभी, आपको भी लेके चलते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून, आप देख लेना। इसमें ज़्यादा वॉइस ओवर मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। जो भी ओरिजिनल ऑडियो है, आई नो कि आपको समझ नहीं आएगा मोस्ट ऑफ द लोगों को, लेकिन इट्स ओके, आप कुछ नया सो देख लेना, नया सुन लेना, नया एक्सप्लोर कर लेना, है ना। थैंक यू। पिलो पाहिजे तर बेड लावा पाहिजा ते। गणपती बाप्पा वार तुटलो काय, फुला उडली ती, फुला तिच्या वरची उडाली रे, हार नाही तुटला असणार। गणपती तो व्यवस्थित घ्यायचा होतो, मायर तुझा चष्मा कुठे गेला, लाव मला नको, तुझा कुठे गेला, बेल्ट कोणी नाही लावला, ओ बाबा नको आता ब्लेड नको, गणपती यार घसघशीत घेऊ होतो गणपती।
तुमच्या हाती कस कशी थांबा थांबा उतरा डायरेक्ट घुमा लो इस तरफ पीछे ये वो प्लेस है जो हमारे घर के बाजू में है। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करती थी बचपन में और ऐसा लगता है कि इसी के आशीर्वाद से जो भी मैं बन पाई हूँ अभी तक लाइफ में यही दुआ है। यहाँ आके जो सुकून मिलता है, जो सेफ़ फील होता है, वो कहीं और नहीं। तो यहाँ पे भी हम आए, उसके बाद हमने यहाँ पे भी पूजा कर ली चाबियाँ रख के, और वहाँ पे जो थे हमारे गांव के ही जो बड़े, उनसे हमने सेम गाराना टाइप जो हमारे यहाँ प्रेयर होती है एक आशीर्वाद के रूप में, वो हमने किया। और उसके बाद वही जो स्वीट हम लेके आए थे वो हमने सब में बाटी, जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे, मतलब जो बच्चे वहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, तो उनमें वो मिठाई बाटी, वहाँ पे मिठाई रख दी, आशीर्वाद लिया। और आप देख लीजिए, मतलब इसमें आपको मैं आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं दे सकती क्योंकि हमने ये व्लॉग के तौर पे मैंने इसको शूट नहीं किया था, मैंने बस शूट किया था हमारे मेमोरीज़ के लिए, लेकिन मैं अभी इसको व्लॉग में डाल रही हूँ। तो जो भी मैं बोल पा रही हूँ वो बोल रही हूँ, पता नहीं आपको ये व्लॉग पसंद भी आएगा कि नहीं, लेकिन ये दिन बहुत मायने रखता है और बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे फैमिली के लिए बड़ी अचीवमेंट थी, बड़ा दिन था। उनको पूजा करनी थी, उनको सब करना था, उनको ये पता नहीं था कि वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन और कंडीशन टू सेलिब्रेट दिस, बट यस फैमिली के आगे कुछ नहीं गाइस। सो या फिर हम वहाँ से गए माणगाव दत्त मंदिर, और एक मंदिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है और हम बचपन से जाते आ रहे हैं, तो मम्मी का मानना था कि हम वहाँ भी चले, तो हम वहाँ गए। दिस इज़ आर लास्ट मंदिर विजिट फॉर द डे गाइस। ओके सो ये है दत्त मंदिर, बहुत फेमस है, बहुत मान्यता है इसकी। अंदर मोबाइल अलाउड है नहीं, तो मैंने यहीं तक ही शूट किया है। अंदर हमने बहुत अगेन पूजा की और सब में प्रसाद बाटी, वहाँ पे बैठे थोड़ा सा। माणगाव से वापस आने के बाद मैंने सोचा कि मेरी जो सिस्टर है उनके ससुराल में भी गाड़ी दिखाई जाए, उनके भी ब्लेसिंग्स लिए जाए, तो उनको मिलने में आई थी। तो वहीं पे हम कुड़ाश्वर मंदिर में आए थे, वहीं पे हमने स्वीट लिया, वहाँ पे तब तक मंदिर क्लोज हो चुकी थी लेकिन हमने आशीर्वाद लिया।
तो ऐसा रहा हमारा फर्स्ट ऑफ सितंबर, जहाँ पे हमने गाड़ियों की पूजा की, ब्लेसिंग्स लिए, मंदिर विजिट किए और बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई फैमिली के साथ, और ऐसे सिंपल तरीके से हमने एंजॉय किया। आई नो दिस व्लॉग में आपको बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी है मैंने आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, तो अच्छा कॉन्टेंट आएगा। थैंक यू, लव यू।